मॉर्निंग क्लास फोर्थ, वेलकम टू EVS क्लास फ्रॉम मैकडिजन अविराज वर्ल्ड स्कूल। आई एम योर EVS टीचर एंड माय नेम इज सुमेश। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ एंड आई होप यू आर ऑल्सो रीडिंग EVS रेगुलरली। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज, आप लोग जानते हैं कि हमें नेचर ने वेरियस एनर्जी के रिसोर्सेज प्रोवाइड किए हैं और सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में हमने पिछले चैप्टर के अंदर भी कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। हमने ये जाना था कि हमारा जो सन है, विंड है या फिर वाटर है, और इसके अलावा जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, ये सारे हमारे क्या होते हैं, एनर्जी के सोर्सेज होते हैं। इनसे हमें क्या मिलती है, लार्ज अमाउंट में एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि हम लोग हैं जो लिविंग बींग्स हैं, आजकल क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी का हर जगह यूज़ होता है। ठीक है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी हम कैसे जनरेट करते हैं, आप लोगों को मैंने बताया था कि क्या होती है, जो हमारी विंड होती है उससे विंड मील्स हमारी रन होती हैं, और विंड मील से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। या फिर जो हमारा रनिंग वाटर होता है उसके अंदर लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रेजेंट होती है। तो जब हम क्या करते हैं, रिवर्स के ऊपर डैम्स बनाते हैं, तो उस डैम से क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। उन डैम्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। या फिर हम लोग ये भी जानते हैं जो हमारा सन है, सन से भी हमें क्या मिलती है, लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी मिलती है। तो लाइट और हीट एनर्जी तो हमारे लिए क्या है, बहुत यूज़फुल है। आप लोग ये भी जानते हैं कि आजकल क्या होते हैं, सोलर कुकर्स या सोलर हीटर्स बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो क्या हो गया, ये जो सोलर कुकर है या सोलर हीटर है, इनमें भी क्या हुआ, जो हमारी नेचुरल लाइट है यानी कि सन लाइट है, उसे हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या हैं, नेचुरल सोर्सेस, या फिर इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, या फिर इसके अलावा हमारे कोल है, पेट्रोलियम है, कैरोसिन ऑयल है, ये सब भी हमें कहाँ से मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। इसके अलावा कुछ रिसोर्सेज हमारे मैन मेड भी होते हैं, यानी कि जिनको आर्टिफिशियल बोलते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि जब आप स्टडी करते हैं या फिर आप राइटिंग करते हैं, तो नोटबुक्स और बुक्स का आप यूज़ करते हैं, उनके अंदर क्या होता है, पेपर यूज़ होता है, और वो पेपर क्या होता है, वो ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्रीज, विद द हेल्प ऑफ ट्रीज। तो हालांकि जो ट्रीज हैं वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन जो हमने पेपर बनाया वो हमारा क्या है, मैन मेड सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि हमने क्या किया, नेचुरल से क्या कर दिया, आर्टिफिशियल रिसोर्स बना लिया। तो आपने देखा कि हमारा जो नेचुरल रिसोर्स है उनसे हम आर्टिफिशियल रिसोर्सेज भी बना सकते हैं। इसी तरीके से आपका प्लास्टिक होता है या स्टील होता है, ये सब भी हमारे किसके अंदर आते हैं, आर्टिफिशियल या मैन मेड सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो अभी हमने क्या सीखा है कि हमारे जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं, या फिर जिनको रिसोर्सेज भी हम बोल सकते हैं, बेसिकली टू टाइप के होते हैं, एक हमारे होते हैं नेचुरल और दूसरी होती है हमारे आर्टिफिशियल या मैन मेड, आर्टिफिशियल या मैन। आज हम इस चैप्टर के अंदर क्या करने वाले हैं, हमने अभी अभी नेचुरल रिसोर्सेज का मीनिंग समझा है, ठीक है, और अब हम बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंस कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये हमारे लिए कैसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं जो हमारा सन है, विंड है या वाटर है, ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और इन रिसोर्सेज से हम क्या कर सकते हैं, इन रिसोर्सेज की हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी तो हमारे वेरियस पर्पस में आप लोग जानते हैं यूज़ होती है, टीवी रेफ्रिजरेटर फैन, लाइट बल्ब, कुछ भी हमें जलाना है तो इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये पहला इम्पॉर्टेंस है कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनसे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग जानते हैं
कि क्या होता है, जैसे कुछ कंट्रीज हैं उनके अंदर कुछ जो रिसोर्सेज हैं वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है। जैसे मान लीजिए जो इंडिया है, इंडिया में कोल जो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में कोल होता है, तो हम क्या करते हैं, जिन देशों में कोल की अमाउंट कम होती है हम कोल को उन देशों को क्या कर देते हैं, भेज देते हैं। या फिर अगर हमारे देश में पेट्रोलियम की कमी है तो हम दूसरे देशों से क्या करते हैं, पेट्रोलियम मंगा लेते हैं। तो इस चीज़ को लेना या देना, इसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग, या फिर हिंदी में इसको कहते हैं व्यापार। तो इस तरीके से जो नेचुरल रिसोर्सेज है उससे हमारा जो व्यापार है या ट्रेडिंग है वो भी इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा आप लोग जानते हैं कि अगर हमारी सॉइल फर्टाइल है, जो सॉइल है वो भी हमारा एक नेचुरल रिसोर्स है। अगर किसी जगह की सॉइल फर्टाइल है, ठीक है, तो उस फर्टाइल सॉइल के अंदर वेरियस टाइप के प्लांट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, क्रॉप्स हो सकती हैं। और आप लोग जानते हैं ना, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल है वो तो हम लोगों के लिए कितने इम्पॉर्टेंट है। तो हमारा जो सॉइल है वो एक नेचुरल रिसोर्स है, और उस रिसोर्स को हम अपने लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वेरियस फ्रूट्स, वेजिटेबल या क्रॉप्स उसमें क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, आप लोग जानते हैं कि जैसे हमारा पेट्रोलियम हो गया, तो पेट्रोलियम से हम क्या करते हैं, जो हमारी व्हीकल्स हैं वो रन करते हैं, और जो हमारी वुड है, वुड भी एक नेचुरल रिसोर्स है। आप लोग जानते हैं ना, विलेजेस के अंदर जो फूड कुक करते हैं वो क्या करते हैं, वुड को बर्न करते हैं। तो ये हमारा जो नेचुरल रिसोर्स है ये हमारे कुकिंग के भी काम आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनसे क्या होता है, हमारा एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो सकता है। जैसे क्या होता है, अगर क्या है, कहीं पे फार्मिंग करनी है, ठीक है, या फिर क्या करनी है, माइनिंग करनी है। माइनिंग का मतलब क्या होता है, माइंस के अंदर से क्या करना, डिफरेंट मेटल्स को निकालना, ठीक है। तो ये भी क्या है हमारे, इनसे क्या होता है, जो कुछ लोग हैं उनको क्या मिलता है, एम्प्लॉयमेंट या रोजगार मिलता है, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आप लोग जानते हैं कि हम क्या होता है, डिफरेंट मेटल्स हम डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, या आपका हो गया एल्यूमिनियम, ये क्या हो गया, एल्यूमिनियम। तो ये सारे जो मेटल्स हैं ये भी हमें कहाँ से मिलते हैं, नेचर से ही मिलते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो मेटल्स हैं ये हमें डायरेक्टली ऐसे ही नहीं मिलते जैसे हम इन्हें यूज़ करते हैं, ये अर्थ के अंदर ओर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ORES, ओर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं पीपल, उन ओर्स के अंदर से क्या करते हैं, इन मेटल्स को सेपरेट करते हैं, ठीक है। और आप लोग जानते हैं आयरन तो हमारे कितने काम आता है, आयरन से क्या होता है, आयरन से बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हमारी बनती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम फॉयल्स भी हम घरों में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सब जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप आपको नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, इसका मीनिंग और इसका इम्पॉर्टेंस समझ में आया है। तो सभी बच्चे बुक से इसे रीड करेंगे, और कोई प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ सकते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे।